हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे शहर हैदराबाद में कब्रस्तान है मेरी, मेरे पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस कब्रस्तान में खबर है, उस खबर पे रास्ता है, कब्रस्तान का रास्ता है। तो वहां पर कब्रस्तान में होता, पुराना कब्रस्तान है, लोग अक्सर क्या करते हैं कि पुरानी खबर खोद के दफना देते जनाजे को। तो किसी ने क्या किया कि मैयत को दफना दिया और उस पर रास्ता था तो वहां पर खबर के ऊपर एक जाली लगा दी, जाली लगा दी। तो मीडिया ने चला दिया कि पड़ोसी मुल्क का कब्रस्तान है। अबे हैदराबाद का कब्रस्तान है, पड़ोसी मुल्क का नहीं है। तो बताया कि हैदराबाद के कब्रस्तान को पाकिस्तान का कब्रस्तान, और बताया कि उसको जाली इसलिए लगा दी गई क्योंकि बास गंदे लोग हैं जो बदफेली करना चाहते थे उस मुर्दे से। और जब हमारे लोगों ने बताया कि भैया ये कब्रस्तान हैदराबाद का है तो पूरे मीडिया के लोग को समझ में नहीं आया कि हमेशा एक हैदराबाद में आकर क्यों फंस जाते हम लोग, क्योंकि सच्चाई बयान कर रहे हैं, सच्चाई को बयान कर रहे हैं। तो हमारे मीडिया के लोगों से हम कहेंगे कि भैया जरा मालूम तो कर लेते कि कब्रस्तान क्या है। अरे तुम हमारी जिंदगी में, हम जिंदा हैं तो तुम परेशान, अरे खबर में जाके सो रहे तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? कम से कम खबरों को तो छोड़ दो। अब बताओ ये हमारी वफादारी की निशानी नहीं है तो क्या है? जिंदा है तो हमारी मां ने 9 महीने पेट में रखकर इस भारत की जमीन पर हमको पैदा किया, और जब हमें अल्लाह के हुक्म से दुनिया से चले जाते तो इसी जमीन में चले जाते। ये हमारी वफादारियों की निशानियां हैं, मगर आप उसमें भी हमको परेशान कर रहे हैं। अब क्या चाहते हैं कि हम खबर से निकल कर आए? अब क्या चाहते हैं आप कि कोई आकर बोलेगा कि कुंभ अल्लाह तो उठ जाए हम लोग? अरे उठेंगे, जब सूर फूंका जाएगा तो सब उठाए जाएंगे। एक एक अमाल का जवाब देना पड़ेगा। जो किसी पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, जो किसी जालिम का साथ दे रहा है, जो किसी शख्स को अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करेगा, सब हिसाब किताब होगा, सब उठाए जाएंगे कब्र से, सब होगा। मगर अब तक मीडिया से हम कहेंगे जरा एहतियात से भाई साहब, हर चीज को ले जाकर पड़ोसी मुल्क से जोड़ देते, मत करिए।